नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं जिंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। फादर्स डे के शुभ अवसर पर लीजिए पेश है मशहूर शायर निदा फाजली की चर्चित नज्म वालिद के मौत पर। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आँखें तुम्हारी मंजरों में कैद है अब तक। मैं जो देखता हूँ, सोचता हूँ, वो वही है। वो जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी, कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कागज़ कलम उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी कुर्सी पर पाता हूँ। बदन में मेरे जितने लहू हैं वो तुम्हारी लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छिप कर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। तुम मुझ में जिंदा हो, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। आप सुन रहे थे निदा फाजली की चर्चित नज्म वालिद के मौत पर। अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।